नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं आलोक सब्लिमेशन टेक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज एक नया वीडियो। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्रेलिक की चैन पर फ़ोटो कैसे प्रिंट करें। जी हाँ, सब्लिमेशन प्रिंटिंग हम लोग करने वाले हैं एक्रेलिक की चैन पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया है जो कि सब्लिमेशन प्रिंटर पे सब्लिमेशन प्रिंट हम लोग करने वाले हैं। तो ये देखिए, हम लोग सब्लिमेशन डिज़ाइन करने के बाद इसको प्रिंट करेंगे। और एक चीज़ बताते हैं कि आप लोगों को प्रिंट निकालने से पहले इस बात का ध्यान देना है कि आप लोगों को मिरर प्रिंट इसमें नहीं निकालना है, इसमें सीधा ही प्रिंट निकलेगा आपका। तो आप लोग इसमें मिरर ना निकालें, चूँकि ये एक्रेलिक है तो इसमें जो है ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए जो है आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि एक्रेलिक की चैन के लिए अगर प्रिंट निकाल रहे हैं आप तो मिरर ना निकालें, सीधा प्रिंट निकालें जिस तरीके से है फ़ोटो आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन करके इसको जो है प्रिंट दे दिया। तो चलिए, इसको पहले प्रिंट निकल चुका है, अब हम लोग इसको जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। ये देखिए, सब्लिमेशन प्रिंटर पर सब्लिमेशन इंक से प्रिंट निकला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, जिस पे हम लोग आज प्रिंट करने वाले हैं वो एक्रेलिक, देख लीजिए किचन इस तरीके से है कुछ, ये इस पे हम लोग जो है प्रिंट करने वाले हैं। तो इसमें ये एक्रेलिक चैन है आपका, इस पे हम लोग जो है प्रिंट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा प्रिंट आउट निकल चुका है जिस पे हम लोग फ़ोटो प्रिंट करने वाले हैं, ये देखिए। चलिए अब हम लोग मशीन को सेट करते हैं, टाइमर और टेम्परेचर जो कि मेन है, जिसके लिए हमें सेट करना ज़रूरी है। तो चलिए कैमरा पास में करिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये मशीन है, और चलिए मशीन को ऑन करते हैं हम लोग। ये देखिए, मशीन ऑन हो चुकी है। हम लोग टाइम और टेम्परेचर जो रखने वाले हैं वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको रखने वाले हैं 355 जो कि सेट है इस समय। मिनिमम टेम्परेचर 355, मैक्सिमम टेम्परेचर 355, और टाइमिंग जो रखने वाले हैं वो हम लोग 90 सेकंड रखने वाले हैं। तो ये सेकंड कम है तो इसको हम लोग जो है बढ़ा लेंगे, ये 90 सेकंड। ये देखिए, मशीन जो है हीट होना शुरू हो गई है। तो चलिए, जब तक मशीन हीट हो रही है तब लोग हम लोग जो है इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका फ़ोटो है और ये एक्रेलिक चैन है। तो हम लोग इसको मिरर, चूंकि प्रिंट इसमें नहीं निकलता है, सीधा निकलता है प्रिंट, तो जिधर हम लोगों को प्रिंट करना है उसमें ये पीछे की तरफ एक लेयर लगी होती है जिसको हम लोगों को निकालना होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से प्रोटेक्शन लेयर रहती है यहाँ। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा हीट करके हम लोग इसको निकाल देते हैं, ये देख सकते हैं, इसको ध्यान से निकाल दीजिए, क्योंकि ये एक पन्नी टाइप की होती है, अगर आप इस पे लगा देंगे तो फिर प्रिंट नहीं आएगा सही आपका, इसलिए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि ध्यान दे करके इसको बढ़िया सा प्रिंट करने के पहले इसको निकाल दें। तो ये देखिए, मैंने निकाल दिया है इसको। उसके बाद फिर ये सब्लिमेशन जो है उसके ऊपर हम लोग प्रिंट लेते हैं और सब्लिमेशन टेप की सहायता से हम लोग इसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम लोग इसको लॉक कर देंगे, ये देखिए। इसी तरीके से हम लोग दूसरा भी कर लेंगे, ये जो प्रोटेक्शन लेयर है इसको हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये निकल चुकी है जी।
उसके बाद हम लोग फ़ोटो जो प्रिंट आउट निकाला है सब्लिमेशन पेपर पर सब्लिमेशन इंक की सहायता से उस पे जो है इसको लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद हम लोग सब्लिमेशन टेप की सहायता से इसको लॉक कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसको लॉक कर देंगे, इस तरीके कंप्लीट हो जाता है हमारा ये। देखिए ये प्रिंट हो जाएगा तो हम लोग जो है इसको कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके साथ जो है हम लोग लगा देंगे, क्योंकि अभी ये ब्लैंक है इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना हुआ है इसमें लगाने के लिए। तो ये मशीन हीट हो रही है, मशीन हीट होने के बाद जो है हम लोग इसको लगाते हैं। ये देखिए मशीन हीट होने के लिए कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि इसको प्रिंट करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको। सब्लिमेशन पेपर होना चाहिए, सब्लिमेशन प्रिंटर, और एक सब्लिमेशन पेपर सब्लिमेशन प्रिंटर आपके पास होना चाहिए, जो कि एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसकी सहायता से आप इसको हम लोग पहले हटा लेते हैं। उसके ऊपर एक यहाँ पर पेपर हम लोग मोड़ करके रख देते हैं इसके ऊपर, मशीन के ऊपर। उसके बाद जो प्रिंट हम लोगों ने निकाला है उसको यहाँ पर आसानी से रख देते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर इसके ऊपर हम लोग टेफ्लॉन सीट को रखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद इसको प्रेस करेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा ऊपर है तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेंगे घुमा करके, ताकि प्रेशर सही से सेट हो। ये देखिए चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर थोड़ा रहेगा तभी बढ़िया प्रिंट आएगा। तो इसको आप लोगों को चेक कर लेना है, ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा कम करके। ये देखिए इसको बाद बटन ये लास्ट वाली हम लोग प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए प्रिंट होना शुरू हो गया है, टाइमिंग इसकी। ये देखिए कुछ ही समय बचे हैं, ये देख सकते हैं मशीन ने आवाज़ कर दिया है, बीप की आवाज़ आ चुकी है। अब हम लोग इसको निकालेंगे, देखेंगे इसमें जो है किस तरीके का प्रिंट आया हुआ है। टाइम इसका पूरा हो चुका है, पहले सबसे पहले हम लोग इस मशीन को ऑफ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम लोग इसको प्रेस करते थे, इसको हम लोग थोड़ा सा घुमाएंगे, उसके बाद देखते हैं। इसको हटा देंगे, टफलॉन सीट को हटाएंगे हम लोग पहले। ये देखिए ये अभी गर्म है, सावधानी पूर्वक इसको करना है। ये देखिए हम लोगों का प्रिंट आ चुका है, बहुत बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। ये देखिए अभी चूंकि हीट है तो आप लोग ध्यान से इसको करिएगा, देख रहे हैं ये देखिए कितना बढ़िया प्रिंट आया हुआ है। चलिए अभी हम आपको इसको सेट करके दिखाते हैं कि किस तरीके से दिखेगा आपको। ये देखिए देख रहे हैं दोनों तरफ आप फोटो देख सकते हैं इसको, ये देखिए। चलिए इसको ये देखिए, ये है इसके साथ आपको ये मिला हुआ है, ये इसके साथ इसको फंसाने के लिए ये क्लिप है, इसमें इसको डाल करके हम लोग इसमें इसको सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसको हम लोग सेट करके देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से प्रिंट आपका आया हुआ है, देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रिंट आपको दिख रहा होगा। ये देखिए दिख रहा है।
चलिए अब हम लोग इसको सेट करके देख लेते हैं कि कैसे ये होगा। ये देखिए ये क्लिप है आपकी, इसको हम लोग इस तरीके से फंसाएंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप लोग इसको करिएगा, नहीं तो या तो ग्लव्स का प्रयोग करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, चल सकते हैं आप। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और इसके बाद एक प्लास की आपको आवश्यकता होगी। ये देखिए इसको दबा करके, ये देखिए देख सकते हैं आप। इसी तरीके से हम लोग दूसरा भी सेट कर लेते हैं। ये देखिए इसके साथ ये आपको मिलता है, ये क्लिप जो है इसको हम लोग इस तरीके से फंसा लेते हैं ये इसे, उसके बाद फिर इसको इस तरीके से इसमें डाल देते हैं। ये देखिए और ये कीरिंग आपका एक्रेलिक कीरिंग ट्रांसपेरेंट, जो कि दोनों तरफ आपको एक प्रिंट में दोनों तरफ आपको दिखाई पड़ता है। ये देखिए एकदम ग्लास की तरीके से है ये आपका, देखना लाइट है। ये देखिए ये आपके दोनों खींचे हैं तैयार। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑर्डर कर सकते हैं आप। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको किचन मिल करके तैयार हो जाता है यह। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो जिस तरीके से लेकर के आते रहें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।